तो आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। तो जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने रीजनिंग के रीजनिंग का फर्स्ट टाइप पढ़ लिया था, जिसमें क्या था, शब्द सादृश्यता। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट सादृश्यता एनालॉजी। जो इंग्लिश के वाले क्वेश्चन आते हैं ABCD वाले एनालॉजी में, जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन आते कहाँ, ये सारे एग्जामों में आते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के मतलब ये एग्ज़ाम होते हैं, सारे उसमें एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं ये ABCD वाले। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इनमें कैसे कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन होगा, जैसे ए कौन से नंबर पे आता है, ये तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर पे आता है, और ये जेड कौन से नंबर पे आता है ये पता होना चाहिए, इससे जेड तक के नंबर पता होने चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, ए के अपोजिट में क्या आता है, बी के अपोजिट में क्या आता है, ऐसे ही सारे लेटर के अपोजिट में क्या आता है, इनसे ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये सब याद करने के लिए मैंने आपसे पिछले वाली वीडियो में बता दिया है कि ये कैसे याद करे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे कैसे होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया पहला AFKP, जिसका जो संबंध BGLQ से है वही संबंध CHMR का इससे हमें बताना है यहाँ। ठीक है, तो देखते हैं A का संबंध, यानी A के बाद B, F के बाद G, K के बाद L, P के बाद Q, इन सब में एक एक नंबर बढ़ रहा है। जैसे अगर हम नंबर लिखना चाहें तो एक, इसका 6, इसका कितने 11, और इसका 16, और इसका कितना जाएगा B का 2, जी का 7, और एल का 12, और क्यू का 17। ठीक है, एक एक नंबर बढ़ रहे हैं, ऐसे यहाँ भी एक एक नंबर बढ़ जाएंगे। सी के बाद डी, एच के बाद आई, एम के बाद एन, और आर के बाद एस, तो हमें आंसर मिल गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कोई लेटर बदल जाएगा बस यहाँ ऐसे ही। ठीक है, एक तो टाइप ही है, दूसरी क्या है, जैसे टीचर TEACHER AETRDEH, ये इसका जो संबंध इन दोनों का है वही हमें एलिमेंट यानी इसका संबंध यहाँ बताना है। तो हम देख लेते हैं इसका क्या संबंध हो सकता है, ये थोड़ी अलग सी टाइप है, दूसरी टाइप देखते हैं। इसके नीचे लिख लेते हैं हम AETDREH, दिख रहा है आपको। ठीक है, टीचर योगा टीचर, इसके नीचे हमने ये लिख दिया। अब देखते हैं हम इनमें क्या संबंध बन सकता है। तो ए का संबंध यहाँ से बन रहा है, इसका यहाँ और इसका यहाँ, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इसका संबंध इससे बन रहा है, सी का डी से, एच का यहाँ, आर का यहाँ, ई का ई से, ठीक है, ऐसे संबंध बन रहे हैं। तो इनका भी हम बना लेते हैं एलिमेंट। एलिमेंट के नीचे जैसे हम लिख लेते हैं, इसका जो होगा यहाँ यहाँ यहाँ, ई एक आ गया यहाँ, अरे एल आ गया नीचे, एक ई आ गया इधर, एम के बाद क्या था, लिख बाद वाली संख्या थी, एम के बाद हम लिख लेते हैं एन, लिख बाद वाली संख्या ई, और इधर आ गया टी, और इधर आ गया एन। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा ELENTNE। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसको देख लेते हैं हम, दो क्वेश्चन हो गए, अलग अलग टाइप है सारी, इसको देख लेते हैं। A B और ये है ZY, इनमें क्या संबंध है, इनमें वही अपोजिट वाला संबंध है जो मैंने याद करने के लिए कहा था कि अपोजिट में क्या आता है। जैसे ए के अपोजिट में आता है जेड, बी के अपोजिट में वाई, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। तो ठीक है, देख लेते हैं, ए के अपोजिट में जेड था और बी के अपोजिट में वाई, तो सी के अपोजिट में क्या आएगा, मैंने याद करवाया था कोरेक्स, सी के अपोजिट में एक्स, और एक्स बताया था डी का दूध वाला, डी का डब्ल्यू वाई, यानी क्या हो गया एक्स डब्ल्यू। ठीक है, तो आंसर आ गया एक्स और डब्ल्यू। और ऐसे ही चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ABCD, ये अलग टाइप है, ABCD, E तक आ गया, E के तुरंत बाद FGHIJ, ये हो गया, तो J के तुरंत बाद KLMNO आ गया, O के तुरंत बाद क्या आता है PQRST, कितने लेटर थे, 5, तो हम इसमें भी 5 लेटर कर देंगे, इसका हो जाएगा आंसर। और ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अलग टाइप है, फ्लावर को क्या लिख दिया है, जस्ट इसका अपोजिट लिख दिया, जैसे मिरर इमेज हो गया एक तरह से, ये फ्लावर को यहाँ तक था तो हमने फ्लावर को उल्टा लिख दिया है। तो फ्रूट्स को क्या लिखेंगे, जैसे FRUITS, फ्रूट्स को क्या उल्टा लिखना है हमें बस, तो जहाँ यहाँ तक गया तो यहाँ से लिख देंगे S, यहाँ यही आंसर लिख देता हूँ सीधे, S
टी आई यू आर एफ, इधर से पढ़ेंगे तो फ्रूट, इधर से पढ़ेंगे फ्रूट, इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, यहाँ से आगे इसमें देखते हैं वाई टी ओ जे, इसका जो संबंध एक्स एन ओ सॉरी एक्स एस एन आई से है वही इसका संबंध होना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखते हैं एक्स के बाद एक इधर बढ़ रहा वाई, और इधर क्या हो रहा है एस के बाद टी टी और एन के बाद ओ और आई के बाद जे, सब में एक एक माइनस हो रहा है, जितने भी हैं सब में एक एक माइनस हो रहा है, तो हम इसमें भी एक एक माइनस कर देंगे। डब्ल्यू से पहले क्या आता है बताओ, डब्ल्यू से पहले क्या आता है वी, ठीक है, और आर से पहले क्या आता है क्यू, क्यू के बाद आर, और एम से पहले क्या आता है एल, एम एल के बाद एम, एच कितने पे आता है जी के बाद एच। नंबर से देख लेते हैं, अगर हमें नंबर से देखना है तो 23 नंबर पे, ये कितने पे 18, ये कितने पे 13, एच 8 पे। यहाँ पहले हम देख लेते हैं वाई 25 और टी का 20 और वो कितने पे था 15, जे कितने पे 10, यहाँ क्या था 26, इसे एक बढ़ते जाना है, ऐसा आ गया 19 सॉरी एक्स 24, एक बढ़ रहा है ना इधर, और ये कितने पे 19, एन कितने पे 14 और आई कितने पे 9, एक एक सारे बढ़े, 9 के बाद 10, 14 के बाद 15, 19 के बाद 20 और एक्स के बाद एक्स यानी 24 पे तो 25, एक ही लेटर बढ़ रहे थे हमने इधर बढ़ा दिया, ये 22 और ये कितने पे जाएगा 17, एल कितने पे 12, जी कितने पे 7, ये भी एक एक लेटर बढ़ गए, इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, जैसे एक अलग टाइप है ये भी, ए इनका सब में हम क्या कर देना नंबर दे देना बस, ये कितने नंबर पे आता है, इसलिए मैंने कहा था सारे नंबर याद कर लेना और अपोजिट याद कर लेना, जैसे इस क्वेश्चन में अपोजिट था वैसे ही। तो इसमें देख लेते हैं नंबर एक, ए आता है 1, एफ आता है कितने पे एफ 6 पे, और आई कितने पे 9 पे, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, मैंने स्क्वायर रूट की भी ट्रिक बता रखी है याद करने की, तो एक इसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, ओ हाँ 13 का, ठीक है ये 13 का हो गया, और इसको देखते हैं हम एक डी कितने पे आता है 4, एक इसका होता है 12 का, तो एल आता है कितने पे 12 पे, ये कितने पे आता है 13 पे, तो हमें पता चल गया ये स्क्वायर रूट है, जो स्क्वायर रूट करने के बाद आएगा वो संख्या यहाँ में भरनी है, तो इसका जो संबंध ए बी कितने पे 2 1 पे कितने 1 किसका होता है 11 का होता है, 11 पे क्या आता है के, तो इसका आंसर हो गया के। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे सारे क्वेश्चन, ये लास्ट टाइप देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चनों में से आता है, टफ क्वेश्चन तो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, जैसे इसका इससे संबंध नहीं है, मैंने ऐसा बता रखा था पहली वीडियो में रीजनिंग की कि ऐसे भी बन सकता है, इसका संबंध इससे भी हो सकता है, तो इसका संबंध इससे बनाना होगा। इसका संबंध हम देख लेते हैं, ई कितने पे आता है, ई आता है 5 पे, आई आता है 9 पे, जी आता है 7 पे, के आता है 12 पे, ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे, सी आता है कितने पे 3 पे, वाई कितने पे 25 पे, तो इसमें क्या करना है हमें, और इसको देख लेते हैं आर कितने पे 18 पे, वी कितने पे 22 पे, जी 20 पे, एक्स कितने पे आता है एक्स आता है 24 पे, तो इसमें सब में 13 का अंतर है। ठीक है, तो वैसे ही हम जैसे इसमें 13 सब में प्लस करा हुआ है, ऐसे इसमें 13 प्लस कर देंगे सब में, तो 5 ए इसमें अगर हम 13 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 13 में 5 19 करेंगे तो 18 पे क्या आता है बताओ, याद है 18 पे क्या आता है, यहाँ से हम देख लेंगे, अगर याद नहीं है तो कितने पे आता है आर पे, ठीक है आर पे हो गया 18, और कहाँ से हम प्लस कर रहे थे यहाँ से, इसमें करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 पे क्या आता है, 14 पे क्या आता है एन, ठीक है, और क्या था सी, सी में अगर हम 13 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, तो 16 पे क्या आता है 16 पे पी, ठीक है 16 पे पी, और क्या वाई, वाई में अगर हम 13 प्लस करेंगे तो कितना जेड तक जाएंगे तो जेड हो जाएगा, यानी कि 12 और प्लस कर दें 12 पे कितना आता है एल, यानी कि इसमें अगर हम 13 प्लस करें तो आ जाएगा एल,
यानी 12 नंबर पे, ठीक है, इसमें 13 प्लस कर दिया तो 38 नंबर हो जाएगा, 38 हो जाएगा, वैसे ये यहाँ से गिना जाएगा तो 12 पे आ जाएगा, तो ये आ गया एल इसका आंसर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। देख लेते हैं सारे क्वेश्चन सही है जी। वाई में अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 प्लस कर दिया तो एल ही आना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, 13 नहीं, 14 देख तो लो नीचे। ठीक है, यहाँ हमने लेटर गलत लिख दिया, 14 हो रहा है, तो इसमें हमने प्लस करा था तो ए में 13 प्लस करा, 14 पे क्या आता है, 14 पे आता है क्या है, एन आता है। ठीक है, ठीक है, सही है, सही दिख रहा है, चलो ठीक है। तो अपने हमने क्या सीख लिया, एक टाइप, दो टाइप, तीन, चार, पाँच, कहाँ गई, छः, सात, आठ, ठीक है, ऐसे ही इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही बनते हैं। ए बी सी डी का भी ए को उल्टा लिख दिया, इनमें कभी कोई संबंध हो गया, जैसे संबंध वाले क्वेश्चन कैसे, कभी ऐसे बन जाएगी सीरीज, सीरीज ऐसे यहाँ कोई लेटर बन रहा होगा, कभी क्या ऐसे सीरीज बन जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे सीरीज बन जाएगी, तो ऐसे सीरीज बनती रहती है। तो आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मज़ेदार वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो ऐसे बनाता रहूं और पूरा रीजनिंग का पूरा सिलेबस ख़त्म कर पाऊं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।